अब मुझे ये बताइए कि अब ये जो पूरी सूरत हाल है सारी, इसका हल क्या है? कौन करेगा इसका हल कि इसके में थोड़ी सी बेटरमेंट आ जाए? देखिए, इसमें हर जो चीज़ है ना महवेश, उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। कोई भी चीज़ आपने फॉर्मुलेट करनी है, बनानी है, कोई लैब बनानी है, तो उसका भी क्राइटेरिया होता है कि भाई ये सहूलियात होंगी तो एक लैब बन सकती है। आपने कोई क्लास शुरू करनी है, दाखला देना है इवन, तो दाखला देने वाले की भी अहलियत को देखा जाता है कि फलां बंदे में ये क्वालिटी होएंगी, उसका ये एजुकेशन स्टैंडर्ड होगा, टेस्ट में इतने मार्क्स लेके आएगा, तो फिर उसको दाखला देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। अब यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि हर चीज़ पॉलिटिसाइज हो गई है। एक बंदा उठता है, मेंबर है कौमी असम्बली का, वो उठ के कहता है जनाब मेरा जो इलाका है ना उसको अब ज़िले का दर्जा दे दे। ठीक है जी, जैसे चिन्नियोट पहले ज़िला नहीं था तो अब ज़िले का दर्जा दे दिया। ठीक है जी, इसी तरह खानकाह डोगरा या शेखुपुरा पहले ज़िला नहीं था तो ज़िले में ज़िले का दर्जा दे दिया। भाई किसी के कहने से ज़िले का दर्जा ना दें, उसमें ये जो फैसिलिटीज़ हैं ना इंश्योर करवाएं कि भाई अगर किसी शहर को ज़िले का दर्जा देना है तो उसमें कम अज़ कम एक मॉडल हॉस्पिटल हो, उसमें एक मॉडल यूनिवर्सिटी हो, उसमें कॉलेजेस हों, उसकी जो यूनियन काउंसिल्स हैं उनमें डिस्पेंसरीज हों प्रॉपर ऑपरेशनल, उनके जो टाउन्स हैं उनमें एक छोटे हॉस्पिटल्स हों, छोटे स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, तो इस तरह से एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या क्राइटेरिया सेट किया जाए हर इलाके को, ज़िला तहसील टाउन डिक्लेयर करने का। जब तक वो सहूलियात वहाँ पे मुयस्सर ना हो, किसी भी एरिया की जो स्टेट है उसको चेंज ना किया जाए। नंबर टू, क्वालिफाइड लोग जो हैं वो मेंबराने कौमी असेंबली बने, आप देखें ना ये। और दूसरा, ये मेंबराने कौमी असेंबली जो है इनका काम तो लेजिस्लेशन है, ये इनको तरक्याती फंड किस हिसाब से दिए जाते हैं? आइन नहीं कहता कि इनको तरक्याती फंड दिए जाएं, भाई वो तो लोकल बॉडीज का काम है। किस खाते में इनको दिए जाते हैं, क्या कभी किसी इदारे ने पूछा है? कभी नहीं पूछा। क्या किसी जज ने पूछा है कि भाई इनको आप अरबों रुपया करोड़ों रुपया सालाना क्यों ग्रांट देते हैं? इनका काम लेजिस्लेशन है या गलियों में नालियां सोलंग बनवाना है इनका काम है? ठीक है, तो ये बेड़ा गर्क इसी वजह से हुआ है। अगर आप देखें ना, ये मैं पढ़ रहा था, बल्कि मेरे हाथ में ये रिपोर्ट है, हॉस्पिटल्स और सेहत के हवाले से हम बात करें, साउथ एशिया में 40 जो टॉप हॉस्पिटल्स हैं उनमें से जो हैं 35 हॉस्पिटल जो हैं वो इंडिया में हैं और एक बांग्लादेश में है, 4 पाकिस्तान में है। ठीक है जी, इसी तरह जो टॉप 20 हैं, जो टॉप 20 हॉस्पिटल हैं साउथ एशिया में, उनमें 19 इंडिया में और एक बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। और पाकिस्तान में जो अपने टॉप 20 हैं उनमें 4 गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, जी बाकी जो हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। अब देखें, ये स्टैंडर्ड है हमारी सेहत की सहूलियात का। तो ये उसी वक्त ही मसाइल हल होंगे जब इदारे मजबूत होंगे, इदारे काम करेंगे, इदारे आइन कवानीन और पॉलिसीज के ताबे होंगे, ना कि जो है वो वजीर आला वजरा और उनकी ख्वाहिशात के गुलाम होंगे। दूसरी बात, आवाम जब अपने हकूक के लिए उठेंगे तो फिर जो है आई थिंक कुछ मसाइल जो है वो हल होने का मतलब